तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का एनिमे टाउन के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉप 5 ऐसे एनिमे के बारे में बताऊंगा जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स या फिर रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड हैं या फिर इंस्पायर्ड हैं उनसे। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 5, स्टीन्स गेट। साल 2000 में जॉन टीटर नाम के एक बंदे ने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैनर लगाए जिसमें साल 2036 से आए एक टाइम ट्रेवलर के होने का दावा किया गया था। उस बंदे ने वर्ल्ड वॉर और परमाणु पतन जैसी भविष्यवाणियां की, हालांकि वो भविष्यवाणियां कभी सामने नहीं आई, लेकिन इसी के ऊपर ये एनिमे सीरीज बनी है। जिन लोगों को मेरी तरह टाइम ट्रेवल में इंटरेस्ट है वो ये एनिमे जाकर देख सकते हैं। नंबर 4, फ्रीजा, जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज का एक सुपर विलेन है। एक्चुअल में फ्रीजा एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। 80 के दशक में जापान ने एक इकोनॉमिक बुलबुले का अनुभव किया जिसे जैपनीज एसेट प्राइस बबल के रूप में जाना जाता है। फ्रीजा जैपनीज रियल एस्टेट स्पेक्युलर्स पे बेस्ड है जिन्होंने रियल एस्टेट को ऊंचे दामों पर बेचकर काफी पैसा कमाया। ड्रैगन बॉल सीरीज के क्रिएटर अकीरा टोरियामा को उन लोगों से इतनी नफरत हो गई कि उन लोगों को अकीरा टोरियामा ने एक ऐसे करेक्टर में डाला जिसे आज हम फ्रीजा के नाम से जानते हैं। तो ड्रैगन बॉल में हम फ्रीजा को इतने लंबे टाइम से जानते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि वो इसकी स्टोरी क्या होगी। नंबर 3, मावारू पेंगुइन ड्रम। इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ टेररिस्ट अटैक। मावारू पेंगुइन ड्रम न ही ये सिर्फ सबसे बड़ा एनिमे है, साथ ही ये बड़ा ही दुख भरा भी है। और वो इसलिए क्योंकि ये एनिमे 1995 में टोक्यो में हुए एक रियल टेररिस्ट अटैक पर बेस्ड है। जिस अटैक में 20 मार्च 1995 को एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा टोक्यो की मेट्रो लाइंस पर सरीन गैस के द्वारा हमला किया गया था। मावारू पेंगुइनड्रम दो भाइयों की कहानी है जिन्हें अपनी बीमार बहन को बचाने के लिए पेंगुइनड्रम नाम की एक चीज को ढूंढना होता है। कहानी में उन बच्चों को उस हमले का सामना करना पड़ता है जो रियल लाइफ में हुआ होता है। तो अगर आप लोगों ने ये एनिमे देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मुमेलो। नंबर 2, टेत्सुको नो ताबी इज अ ट्रूली नॉन फिक्शनल एनिमे अबाउट अ ट्रैवल राइटर। हिरोहिको योकोमी नाम के एक ट्रैवल राइटर ने अपने कारनामों को इतना एडवेंचरस माना कि उसके साथ के एक मांगा आर्टिस्ट ने उसके एडवेंचर पर एक मांगा लिखी और इस तरीके से टेत्सुको नो ताबी का जन्म हुआ। योकोमी के एक ट्रेन एफिशिएंट होने की वजह से उस पर एनिमे बना और इस एनिमे में उन सभी ट्रेनों और स्टेशनों को दिखाया गया है जहाँ पे योकोमी गया था, जिनकी संख्या लगभग 10,000 के आसपास है। नंबर 1, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज टेल्स अ हार्ट ब्रेकिंग टेल ऑफ ट्रूथ। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक एनिमेटेड मूवी है जो अकियुकी जोसाका द्वारा उसी नाम की एक ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। ये कहानी दो यंग सिबलिंग्स की है जिनकी माँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में एक बमबारी में मारी जाती हैं। सेता अपनी छोटी बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन अंत में वो भी कुपोषण का शिकार होकर बच नहीं पाती। रोजर रोबोट ने इस मूवी को सन 2000 में अपनी ग्रेट मूवी की लिस्ट में रखा। इसे अब तक की सबसे शक्तिशाली वॉर मूवीज में से एक माना जाता है। मैं सच बोलता हूँ कि इस मूवी को देखते देखते मेरे खुद के आंसू निकल आए थे। बहुत अच्छी मूवी है ये, लेकिन ये उन यादों की तरह है जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं। हम अभी सोच भी नहीं सकते कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। इस मूवी ने हमें वही याद दिलाया है कितनी प्रॉब्लम हुई होगी उन लोगों को। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि वो भी जान सके कि ऐसे भी एनिमे एग्जिस्ट करते हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए।